हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज संडे है एंड या मैं सेम ड्रेस पे ही हूँ। कल रात मैंने खोल दिया था वंस द वीडियो वॉज ओवर। तो आज ऐसा हम लोग का कुछ भी प्लान नहीं था, पर सडनली हम लोग के घर में गेस्ट आ रहे हैं, लाइक हम लोगों का रिलेटिव्स आ रहे हैं। एंड के भाई मामा ने की या तो कल रात अराउंड कितना 11 o'clock एनी हाउ मैं फेसबुक देख रही थी एंड मैं फेसबुक में बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। मोस्ट ऑफ यू नो, जो लोग मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, कि मैं एक फोटो भी पोस्ट नहीं करती हूँ। तो एनी हाउ आई वॉज ऐसे मैं फेसबुक देख रही थी, फिर मैंने देखा कि अरे वन ऑफ आर रिलेटिव्स दे आर लाइक वो गंदा वाला मॉल पे जहाँ पे मैं जाती हूँ, दे आर लाइक वेरी क्लोज टू द होटल। एंड मैं देख रही हूँ क्योंकि US इज सच ए बिग प्लेस ना, कि बहुत ही ऐसा रेयरली होता है दैट समवन कम्स टू स्टे सो नियर टू यू। एंड वो लोग को भी पता नहीं था कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो इमिडिएटली आई रोट हर ए मैसेज कि मैं बहुत ही नज़दीक हूँ तुम लोग के यहाँ से, जस्ट हम लोग का घर 10 miles अवे या 10 या 15 miles है एनी हाउ। तो देन शी गेव मी हर व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि तो मैंने बात किया एंड देन आई टोल्ड कि तुम लोग आज हम लोग के घर पे आ जाओ, क्योंकि वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू नो, आफ्टर पहली बार ऐसा हो रहा है कि समवन इज शिफ्टिंग सो क्लोज टू अस। तो पहले मैंने डिनर बोला था, फिर मुझे लगा मेरे अभी बोल रहे कि नहीं लंच पे बुलाओ, ताकि यू नो इफ दे वांट टू एक्सप्लोर सम प्लेसेस वी कैन टेक देम। एंड दोपहर पे आते हैं तो देयर इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक बहुत सारा बातें भी कर सकेंगे। तो मैं सुबह सुबह मैं गई थी शॉपिंग करने। मामा यू हेल्प मी ना टू टेक द थिंग्स, तो कार पे मेरा सामान है। तो सुबह सुबह मैं गई थी शॉपिंग करने एंड हबी कर रहे हैं हाउस क्लीन। हबी बोल रहे थे कि मैं शॉपिंग करने जाता हूँ, फिर मैंने बोला कि अगर आप खुद जाए ना तो यू नो कहाँ पे कहाँ सब कुछ मिलता है एंड इमीडिएटली यू कैन गेट इट। तो मैं शॉपिंग करने गई थी सो दैट आई कैन कुक लंच फॉर देम। ये रहा मेरा शॉपिंग बैग। तो आज मुझे जल्दी खाना बनाना है, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू नो आफ्टर सो लाइक क्या बोला, आफ्टर फर्स्ट टाइम ऐसा कोई हम लोग का रिलेटिव, अभी रिलेटिव बोलूं तो मैं क्या बोलूं, दे आर ऐसे बहुत ही दूर के रिश्तेदार है। आई कैन से ऑल्सो क्या क्या होते बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ हम लोग जो बैंगलोर रहते थे दे वर वेरी क्लोज टू अस एंड लाइक मैं उनके शादी में भी गई थी। देवर वो लोग छोटे हैं हम लोग से बहुत ही, तो हम लोग जाए वो लोग के शादी में भी गए थे। सो इस तरीके से वी आर वेरी क्लोज। सो फर्स्ट मैं पंचतंत्र दाल बिठा रही हूँ एंड यू नो दाल होते होते लाइक आई विल फिनिश सम ऑफ द अदर वर्क, स्पेशली चॉपिंग एंड कटिंग जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सो अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock एंड दाल बॉयल हो चुका है, ओनली सिर्फ मुझे तड़का देना है। फिर चिकन विकन मैंने मैरिनेट करके रख दिया है एंड आई गॉट श्रिम्प ऑल्सो। एंड जब भी ऐसा आपको लाइक सडनली ऐसा खाना बनाना पड़े, द बेस्ट थिंग इज ना सब लाइक आप पहले चॉपिंग एंड ऑल वो सब कर दीजिए एंड लाइक डू दैट फिनिश द चॉपिंग का जो भी काम रहता है। तो वो सब मैंने कर लिया, जैसे कि अनियन पेस्ट, टमाटर पेस्ट, फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट। एंड जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं ऐसा बनाती हूँ तो 1 week तक चला जाता है मेरा। तो अभी मैं जल्दी जल्दी एक में बिठाऊंगी चिकन, एक में बिठाऊंगी श्रिम्प एंड मैं डिशवॉशर भी चला दूंगी ताकि ये साइकिल हो जाए, फिर ही विल टेक ऑल द डिशेस आउट एंड सेकंड हम लोग कर देंगे। सॉरी आज मैं बहुत ही जल्दी में हूँ तो आई एम नॉट शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू द रेसिपी। मैं बहुत ही इजी तरीके से चिकन बना रही हूँ। तो जब ऑयल गरम हुआ था मैंने इसमें थोड़ा होल गरम मसाला ऐड किया था एंड उसके बाद मैंने अनियन पेस्ट ऐड कर दिया है एंड चिकन में अभी खरीद के लाई हूँ तो यू नो इट्स वेरी फ्रेश। एंड फिर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ एंड वहाँ पे मैं बनाऊंगी श्रिम्प करी। तो लाइक सभी जगह पे कुछ ना कुछ अभी बन रहा है मेरा, लाइक वहाँ पे दाल हो रहा है, यहाँ पे चिकन भी हो रहा है। तो अभी मैं कर रही हूँ श्रिम्प फ्राई।
एंड मुझे इतना हंसी आ रहा है बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर कि मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे अगर अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप क्या क्या करेंगे, तो मेरे साथ आज वो ही हो रहा है. बट टुडे इज द रियल वन. तब तो मैंने एक कॉन्टेंट क्रिएट किया था. तो एनी हाउ मेरे हबीब भी मुझे अभी हेल्प कर रहे हैं एंड ये बहुत ही ईजी तरीके से मैं श्रिम्प बना रही हूँ. तो चिकन भी मेरे हबी ने अच्छी तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, लाइक फ्राई करके दे दिया है चिकन को. एंड चिकन में मैंने कुछ भी नहीं दिया था. आई हैव जस्ट एडेड सम अनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर एंड मेरे पास थोड़ा फ्राई किया हुआ बेसन था, तो वो मैंने थोड़ा चिकन पे ऐड किया है. एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ कलौंजी एंड टमाटर पेस्ट ऐड किया है एंड लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. तो मैं बहुत ही लाइट बना रही हूँ, ज्यादा मसाले में कुछ में भी ऐड नहीं कर रही हूँ. तो ऑलमोस्ट श्रिम्प करी इज डन, क्योंकि श्रिम्प करी बहुत जल्दी हो जाता है. तो श्रिम्प तो हो चुका है एंड चिकन भी हो जाएगा. तो दाल इज रेडी एंड अब मैं तड़का दे रही हूँ. तो आई एम गिविंग ए वेरी सिंपल तड़का विद सम कसूरी मेथी, जीरा, देन ड्राई रेड चिली एंड हींग. क्योंकि अगर आप ज्यादा चॉपिंग कटिंग करें ना, उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है. एंड पता नहीं खाना कैसा होगा. तो मैं चिकन को थोड़ा टेस्ट करके देख रही हूँ. मैंने अपने हबी को थोड़ा लाइक फिश टेस्ट करने को बोला था एंड ही सेड इट इज गुड. तो चिकन भी ठीक ही लग रहा है. सो ये है श्रिम्प करी. एंड चिकन देखने में बहुत ज्यादा रेड लग रहा है बिकॉज मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया था. एंड दाल भी रेडी हो चुका है. तो मैं दाल को, मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा गार्निश कर दूँ तो अच्छा लगेगा देखने में. मैं आज बहुत ही सिंपल मेन्यू सेट किया है, लाइक जो बहुत ही जल्दी में हो जाए. तो मैं कुछ सब्जी वब्जी नहीं बना रही हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग सिंपल बैंगन भाजी. टाइम हो रहा है 11:30 एंड मेरा खाना बनाना इज डन. मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बहुत ही कम मैंने आज बनाया है. एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि मैं कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी बनाऊँ, फिर मुझे लगा छोड़ो यार, ऐसे भी वो लोग ने बोला है कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाने को. तो मैं बैंगन भाजी करूँगी एंड मैं एक पीस पुलाव टाइप नहीं, मैं लाइक बहुत ही एक लाइट राइस बनाऊँगी. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो बना के रख दूँ क्योंकि उसके बाद मुझे किचन भी क्लीन करना है. वेरी गुड, राई भी रेडी हो चुकी है. सो व्हेन माय हबी हैज क्लीन्ड ऑल द लिविंग रूम एंड ऑल बहुत ही अच्छी तरीके से, वो वहाँ पे मेरा कुछ कपड़ा है, उन्होंने सब कुछ क्लीन किया है. ओनली माय किचन इज मेसी, जो हर वक्त हो ही जाता है जब आप इतना ज़्यादा खाना बनाते हैं. तो आई विल डू दैट एंड फिर मैं सब जल्दी जल्दी सब साफ कर लेती हूँ. सो अभी मैं थोड़ा बर्तन दे रही हूँ क्योंकि कोई आएगा एंड किचन ही गंदा है तो कितना खराब लगता है देखने में. एंड वेरी सिंपल पीस पुलाव जिसमें ज्यादा ऑयल घी बहुत ही कम मैंने दिया है एंड मैंने सिर्फ दो बड़ी इलायची इसमें ऐड किया है. तो अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी एंड पता नहीं, राइस आई एम मेकिंग फर्स्ट टाइम इन माई कास्ट आयरन, तो मुझे थोड़ा टेंशन लग रहा है. एंड ये होते होते मैं बाकी किचन का काम भी कर रही हूँ एंड मुझे लगा कि चलो बैंगन भाजी के लिए बैटर तो चाहिए, तो मैं बैटर बना के रख देती हूँ. एंड आप लोग बहुत जन मुझे बोल रहे थे कि बैंगन भाजी के बैटर में लाइक कलौंजी देने को, तो मैं आज वो ही दे रही हूँ. लेट मी टेस्ट कैसा लगता है. सो मैंने आज जीवा का बासमती राइस यूज किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ इट. बहुत टेस्टी है ये राइस. सो फाइनली मेरा सब कुछ हो चुका है, ज्यादा कुछ नहीं बनाया एंड किचन मैंने, वो होता है ना कभी जल्दी जल्दी हम लोग जैसे साफ करते उस तरीके से मैंने साफ किया है एंड मैं बैंगन भाजी बना रही हूँ. वेट लेट मी शो यू ऑल.
या मैं बैंगन भाजी बना रही हूँ, तो मैं उसके लिए जो बैटर है वो मैंने रेडी करके रख दिया है। तो अभी मैं नहाने चली जाऊंगी एंड अभी तो राई को कार सीट का ज़रूरत नहीं है। देन ऑल्सो इन आवर हाउस यू नो हम लोगों के पास ऐसा राई का जो पुराना कार सीट है, एक हम लोगों ने फेंक दिया एंड एक हम लोग हर वक्त रखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा आता है ना लाइक जो लोग का बच्चा होता है एंड हेयर कार सीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है लाइक दे हैव अ किड एंड नाउ ही इज़ 8 years old, तो उसको तो कार सीट चाहिए ही चाहिए। तो आई अभी विल टेक दिस कार सीट एंड मैं फर्स्ट जाके लेट मी टेक ए शावर एंड फिर आके मैं जल्दी जल्दी बैंगन भाजी बनाती हूँ। पता नहीं कैसा हुआ है खाना, लाइक जब भी कोई गेस्ट आता है ना मेरा खाना बहुत ख़राब होता है, पर तब लाइक आई कीप ऑन प्लानिंग एंड मैं बहुत थिंक करती हूँ। एंड आज तो मैंने सुबह उठ के मैंने सोचा कि चलो मैं डिनर पे बुला रही हूँ, धीरे धीरे मैं करूँगी। एंड फिर अभी मैं इतना प्लान कि नहीं लंच पे बुलाते हैं, इट विल बी ईजी फॉर देम ऑल्सो। तो मैं जल्दी से नहा के आती हूँ अभी। तो फाइनली मैंने नहा भी लिया, वेरी सिंपल, नो इयररिंग नथिंग। मैं ट्राईपॉड रख रही हूँ इन माय स्टोर रूम, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू नो कि जब कोई भी घर पे आता है मेहमान मैं कभी भी शूट नहीं करती हूँ। एंड मैनी ऑफ यू ऑलवेज से कि पायल तुम शूट क्यों नहीं करती हो, जस्ट इमेजिन कितना अजीब लग रहा है कोई खाना खा रहा है एंड यू पुट अ कैमरा ऑन देम, लाइक क्या बोलूँ, इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग्स मैं बोल सकती हूँ। तो इसलिए बिकॉज व्हेन दे कम दे शुड फील कंफर्टेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आए एंड मैं कैमरा लेके बैठ जाऊँ, मुझे वो बहुत ही गंदा लगता है। एंड मैंने वो पहले भी नहीं किया, मैं फ्यूचर में भी आई विल नेवर डू दैट थिंग। पर तो मेरे हबी ने क्लीन किया है, पर उनको पता नहीं है कि मैं लाइक कुशन कवर किस लाइक मैं कैसे करके अरेंज करती हूँ। एंड मोस्ट ऑफ यू नो दैट वी लेडीज वी हैव आवर ओन टेस्ट, तो उसी के अनुसार मैं सब कुछ भी ठीक कर रही हूँ। एंड लिविंग रूम इज लुकिंग नीट एंड क्लीन। जस्ट आई जाएंगे आई थिंक सो अनदर 15 minutes एंड आई फेल्ट कि मैं लेमनेड बना लेती हूँ, ऐसा भी अभी समर चल रहा है तो वो लोग को अच्छा लगेगा। एंड राय भी मेरी हेल्प कर रही है एंड बहुत सारा काम है मुझे, सब डिशेस निकालना है। एंड या आप लोग बहुत जन बोलेंगे राय ने फिर वही ड्रेस पहना है, पर पता नहीं राय हर वक्त जब भी मैं शूटिंग करती हूँ वो यही ड्रेस पहन लेती है, इट सीम्स उसको बहुत ही अच्छा लगता है ये ड्रेस, लाइक बहुत कंफर्टेबल है फॉर समर टाइम। एंड मुझे लगता है यू नो बच्चों को जो ड्रेस कंफर्टेबल लगे दे शुड वेयर दैट ओनली। तो फाइनली मैंने बाकी का जो काम था वो भी सब कुछ कर लिया है, लाइक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यू नो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई आए दैट टाइम यू कैन डू ऑल दिस स्टफ, पर मैं ऐसे हर वक्त मुझे ऑर्गेनाइज बहुत ही अच्छा लगता है, लाइक हियर आर ऑल द प्लेट्स। फिर इसमें मैं राइस दूंगी एंड मैंने राइस ये कास्ट आयरन के पॉट में बनाया था, सो दैट इज़ द गुड थिंग कि अभी तक ये बिल्कुल गर्म है। एंड यहाँ पे मैंने ऑयल बिठा दिया है क्योंकि मैं बनाऊंगी बैंगन भाजी। एंड लाइक अभी आई एम श्योर वो लोग का जेट लैग मूड होगा, लाइक जेट लैग तो होता ही है। तो अभी इंडिया में 1:30 यानी इंडिया में कितना टाइम होगा 11:30 होगा एंड आई एम श्योर आफ्टर 2 and 3 वो लोग को नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि वो लोग आएंगे ना इमिडिएटली आई सर्व देम फूड क्योंकि वो ही अच्छा रहेगा, तो वही मैं सोच रही हूँ। सो फॉर दैट आई हैव डन एवरीथिंग। जनरली ये जो रनर है ना दिस वन, ये रनर है मैं कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, जब भी कोई आता है ना, सो दिस रनर इज़ वेरी गुड एंड परफेक्ट फॉर सर्विंग ऑल द फूड, नहीं तो मैं दूसरा कुछ रनर यूज़ करती हूँ। सो आई हैव केप्ट एवरीथिंग, नहीं तो and
एंड बैंगन भाजी बनाते बनाते वो लोग आ गए सो आई वॉज नॉट एबल टू टॉक विथ ऑल ऑफ यू एंड दिस इज द पिक्चर एक ही मैंने क्लिक किया था. तो अभी वो लोग जा रहे हैं एंड वी केम हियर. ये घर पे मैं पहली रहती थी आई थिंक सो मैंने शेयर भी किया है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो लोग यहाँ पे ही रहने वाले हैं. तो चलिए आई विल टॉक विद यू घर जाने के. तो मैं अभी आई हूँ एंड मुझे मैंने टेबल साफ किया है पर मुझे और थोड़ा साफ करना है एंड वो भी शी ऑल्सो हेल्प मी इन क्लीनिंग एंड ऑल एंड डेफिनेटली अभी तो वो लोग यहाँ पे ही रहने वाले हैं तो इन सम ऑफ माई वीडियो आई विल डेफिनेटली इंट्रोड्यूस हर विथ ऑल ऑफ यू. एंड वो बंद खुला या एंड शायद वो लोग सोच रहे हैं वो लोग वही घर लेंगे जो हम. अभी बहुत लेट हो चुका है क्योंकि तब बात करते करते मेरा कैमरा का बैटरी पूरा डेड हो गया था एंड उसके बाद अभी बहुत ही लेट हो चुका है. अभी शायद रात के 8 बज रहे हैं एंड मैं ये डाइनिंग टेबल अच्छी तरीके से साफ कर रही हूँ एंड मुझे बहुत ज्यादा भी टायरिंग लग रहा है. हाय फ्रेंड्स, तो आज मंडे है एंड कल मैं ये व्लॉग एंड करना ही भूल गई क्योंकि मुझे मैं सब साफ कर रही थी देन मुझे ना किचन पहुँचना था एंड उसके लिए मैं स्टीमर यूज़ करने वाली थी तो स्टीमर के साथ एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है जो लोग ने दो दिया था एंड फिर अच्छी तरीके से मैंने धो वॉश करके जो होता है हम लोग बहुत अच्छी जगह पर रख देते हैं एंड फिर मुझे मिल ही नहीं रहा था एंड द फनी थिंग इज़ जो एक कपड़ा था मैंने शायद वो परसों ही मैंने रखा था अच्छी तरीके से पर फिर हम लोग सब वो ढूंढने लगे पर फिर भी मुझे नहीं मिला एंड ये सब करते करते ऐसे ही रात भी बहुत हो चुका था. और यह बोलेगा कुछ अभी एलेक्सा स्टॉप या इट्स 7:30 होगा क्योंकि मैं एक अलार्म हर वक्त सेट करती थी अभी मुझे ये चेंज करना पड़ेगा. जनरली 7:30 को मैं नीचे जाती हूँ टू वेक राय अप तो यू नो कभी कभी काम करते करते हम लोग भूल जाते हैं तो इसलिए मैंने एक अलार्म सेट कर दिया था ताकि 7:30 बज जाए. अगर मैं किचन में हूँ जब राय का स्कूल रहता है तब मैं नीचे चली जाऊँ. तो एनी हाउ फिर मेरा किचन पोछना नहीं हुआ गंदा का गंदा ही है तो अभी मेरे पास दूसरा कुछ है मैं उससे पूछूंगी एंड विद दिस आई विल एंड टुडेज वीडियो. आई होप सो कल का वीडियो आप सबको पसंद आया है एंड या जाने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ ईद मुबारक. इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना एंड जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना. सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन. बाय बाय.